नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किधर है? अभी तक नहीं आए? कहाँ है? अब कब है? कौन? वो युवराज अभी तक नहीं आए? सफर के थके हुए हैं, आते होंगे। हाँ, खाते होंगे। खाने दो, बच्चा है, बच्चा। खाते नहीं, आते होंगे। आते होंगे। हाँ, आते होंगे, आ रहे हैं। ओ महारानी, महाराज, युवराज पधारते हैं। मेरा बेटा, अति सुंदर, बहुत सुंदर है पिताजी। हाँ, कहाँ हो बेटा, बहुत देर लगा दी तुमने तो। पिताजी, सीमा देवी ये है। अब क्या क्या है? सीमा देवी ये है। अच्छा जी, जीती रहो, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, अति सुंदर है। सेक्रेटरी, सुंदर है। मैं तो सुंदर लाखों में एक, अनमोल हीरा। हीरा कहाँ से आ गया? अरे हीरा कहाँ से आ गया? मैं तो लकड़ी की बात में, क्या नाम है, लड़की की बात कर रहा था। कौन लड़की, किसकी लड़की, क्यों लड़की, कब से लड़की? मैं कहता हूँ, आपको आम खाने हैं या पेड़ गिनने? आम खाने हैं, मीठे। आपको छोटा चाहिए? नहीं, छोटा नहीं, बड़ा चाहिए। आप नहीं समझे। कहिए। युवराज का लड़का यानी पोता, पोता चाहिए। हाँ, मुझे पोता चाहिए और अभी चाहिए। मैं कहता हूँ कि कहाँ है वो? सेक्रेटरी को बुलाओ, हम कहते हैं, और उससे पूछो, और फौरन बुलाओ और पूछो उससे कि शादी कब होगी और पोता कब होगा। हमें एक अदद पोते की जरूरत है, एक अदद पोते की जरूरत है, और अभी जरूरत है। महारानी जी, एक बात पूछूं? क्या? वो ये कि मैं, हमें तो आम खाने हैं मीठे। नहीं नहीं, तो मैं के बैक। सीमा, मैं मेरी बात तो सुनिए आप जरा। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, मैं वापस जाना चाहती हूँ। लेकिन आपने तो एक महीना ठहरने का वादा किया था, पूरे 30 दिन। अगर यहाँ यही सब होता रहा तो मैं यहाँ 3 दिन भी नहीं ठहर सकती। लेकिन मैं सीमा, यहाँ क्या हो रहा है? कौन सी बात है जो आपकी मर्जी के खिलाफ हो रही है? पोता कब होगा, शादी कब होगी, ये सब क्या बकवास है? जोशी क्यों बुलाया जा रहा है? ज्योतिषी को नहीं बुलाया जाएगा, कोई बात आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं होगा। और कोई हुक्म मिस सीमा? आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए, मेरे सर में दर्द हो रहा है। डॉक्टर को भेज दूँ? जी नहीं। तो फिर सर दबाने के लिए किसी दासी को बुलवा दूँ? जी बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या करूँ मिस सीमा? कहा ना, यहाँ से तशरीफ ले जाइए। बहुत बेहतर, जब देखो मिस सीमा, मैं तो तंग आ गई हूँ सुनकर। मैंने कहा रानी साहबा, आज सुबह सुबह किस पे नाराज हो रही हो? मिस सीमा पर और क्या, वो खड़ी तो है तुम्हारे सामने। हवा से लड़ रही हो? नहीं, तब्दीली है भाई, तब्दीली है तेरा सर। ना तू कहती, ना मैं स्टोरी होती जाती, ना ये मुसीबत मेरे गले पड़ती। तू ये मुसीबत कब से समझने लगी? वहां दिल्ली में तो खाओ, डार्लिंग वहां नहीं चल रहा। डार्लिंग, ये साड़ी कितनी अच्छी लगती है, और यहाँ मिस सीमा सुनते मेरे तो कान पक गए। अच्छा, तो ये बात है रानी जी, वहां तुम्हें डार्लिंग पसंद नहीं था, यहाँ मिस सीमा नहीं, तो पसंद क्या है? कह दो ना, मैं युवराज से कह दूंगी। ये भी कोई कहने की बात है, ये तो समझने की बात है। सर शोभा, मेरे समझ में तो बिल्कुल नहीं आता कि युवराज को यहाँ आकर क्या हो गया है। बिल्कुल ऐसे मिलते हैं जैसे नई पहचान हो। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, मैं एडिसन से पूछ लूंगी। कौन है? आपका खादिम। आइए आइए, मुझे तलाश थी आपकी। जी, युवराज साहब ने मुझे भेजा है क्या? आप
आप क्या कर रहे हैं? जी मुझे युवराज साहब ने भेजा है कि मैं आपकी खातिर करूंगी। खातिर कई तरीके की होती है, इंग्लिश खातिर होती है जी, हिंदुस्तानी खातिर होती है। मिस्टर सेक्रेटरी, मुझे ऐसा लगता है आपकी खातिर करनी पड़ेगी। वेरी गुड वेरी गुड, मिलाइए हाथ, हाथ मिलाइए। अरे छोड़िए, आप आदमी हैं या घनचक्कर? जी मैं घनचक्कर ज्यादा आदमी कम, नहीं नहीं मेरा घनचक्कर ज्यादा आदमी कम, नहीं नहीं मेरा मतलब है घनचक्कर कम आदमी ज्यादा। मिस्टर घनचक्कर खड़े हो जाइए। हो गया, बैठ जाइए। बैठ गया। देखिए कमाल की बात है, युवराज साहब ने मुझे भेजा कि मैं आपकी खातिर करूं और आपने मेरी खातिर शुरू कर दी। जैसे युवराज वैसे उसका सेक्रेटरी। थैंक यू। मिस्टर सेक्रेटरी साहब, ये युवराज साहब यहाँ आके बदल क्यों गए हैं? दिल्ली में थे तो माय डार्लिंग माय डार्लिंग माय डार्लिंग, और यहाँ आए तो मिस सीमा मिस सीमा मिस सीमा मिस सीमा। इसके सिवा उनके पास दूसरा लफ्ज ही नहीं है, ऐसे मालूम होता है जैसे वो सीमा को पहले से जानते ही नहीं। अजी साहब जानते हैं और बिल्कुल जानते हैं। पहली बात तो ये है कि ये रियासत श्याम नगर का महल है, दिल्ली का होटल नहीं। और दूसरी बात ये है कि क्या है दूसरी बात? ये याद आ गया, दूसरी बात ये है कि हमारी युवराज साहब के दिमाग के अंदर, देखिए बात ये है हमारे राजकुमार की, सबसे पहले बात ये है कि वो पिछली जन्म की बातें उन्हें याद आ जाती है और इस जन्म की बातें वो भूल जाते हैं। और तीसरी बात ये है सुंदरी, सुंदरी माफ करना, मैं खूबसूरत लड़कियों को मैं हमेशा सुंदरी कहा करता हूँ। अच्छा वो तीसरी बात जो थी हमारे राजकुमार की वो ये थी कि वो तीसरी बात क्या थी? मालूम होता है आप भी जन्म की बातें भूल जाते हैं, जब याद आ जाए फिर आ जाइएगा। अच्छी बात है। अब जाइए भी, मेरा मुंह क्या तक रहे हैं, जाइए ना। आप भी अजीब है, आपकी बातें भी अजीब है, कभी आगे कभी पीछे। मैं क्या कहूं, आपका चक्कर भी अजीब है, कभी आगे कभी पीछे। सरकार आपकी कमबख्ती आ गई। सरकार क्या वक्त? मेरा मतलब है मामला जरा गड़बड़ हो गया है। सीमा और सुंदरी। कौन सी सुंदरी? वो शोभा सुंदरी। शोभा सुंदरी। सरकार वो दोनों समझते हैं कि आपका चौकटा, मेरा मतलब है कि आपकी सूरत तो वही है, बातचीत भी वही है, चाल डाल भी वही है, तीन ताल भी वही है। क्या तीन ताल? माफ करना सरकार, रवानी में कह गया। उनका मतलब ये है कि आप वैसे ही क्यों नहीं है जैसे कि आप दिल्ली में थे। वो तो हम भी सोच रहे हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आता क्या किया जाए, अगर कहीं भेद खुल गया तो। तो सरकार की मौत है। शराब? नहीं नहीं, मेरा मतलब है सरकार की मोहब्बत की मौत है। मिस सीमा आपको वही लड़का समझती है जिससे वो पहले मिल चुकी है, अगर आप उसका दिल जीतना चाहते हैं तो आप भी उसी तरह बातें कीजिए जैसे वो लड़का करता था, नहीं तो आपको संन्यास लेना पड़ेगा। संन्यास? मुझे अच्छी तरह पता है कि आप मिस सीमा के मोहब्बत में घनचक्कर बन गए हैं। क्या है? मेरा मतलब है रफू चक्कर बन गए हैं। मेरे जमान को कुछ क्या हो गया मुझे कुछ पता नहीं। सरकार मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप मिस सीमा पर दिलो जान से फिदा हो गए हैं। वो तो हम हो गए। सरकार सादा जबान में इसी को घनचक्कर होना कहते हैं, अगर माशूक बस में ना आए तो रफू चक्कर हो जाना पड़ता है। देखो बक बक बंद करो और ये बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। इस सरकार सर नीचे और टांगे ऊपर करनी चाहिए। मेरा मतलब है इसमें घबराने की कोई बात नहीं सरकार, अगर हम लोगों को ये पता चल जाए कि उस लड़के ने सीमा देवी से किस तरह और क्या बातें की है तब मजा आ जाए। क्या ख्याल है? मगर ये सब तो वही लड़का बता सकता है और कौन जाने वो कहां है। बेटा जब से तू वापस आया है तेरी अजीब हालत है, न ठीक से खाता है न ठीक से कोई काम धंधा करता है, आखिर तुझे क्या तकलीफ है मेरे लाल? मां मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था, न जाने उन बदमाशों ने तुम्हें कितनी तकलीफ दी होगी। नहीं बेटा उन्होंने मुझे कोई तकलीफ नहीं दी, तो दुखी ना हो। मां
तुम तो जानती हो तुम्हारी एक पल की खुशी के लिए मैं अपनी जिंदगी कुर्बान कर सकता हूँ। अरे तू तो बेकार मेरी चिंता करता है। देख मैं कितनी अच्छी भली हूँ। बेटा तू कहीं बाहर निकला कर कोई काम धंधा देख, तेरा जी बहल जाएगा मेरे लाल। अच्छा मैं जैसे तू कहती है वैसे ही करूँ। जीते रहो बेटा, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। अच्छा। ए जैक, ए जैक क्या है यार, दिल नहीं लगता। दिल की छोड़, रोटी की फिक्र कर। अबे बेटू तुझे हमेशा रोटी की पड़ी रहती है। और क्या ये पूछो, रातों की नींद क्यों हराम कर रखी है? अरे तू तो रातों को आराम से सोता है, तुझे किस बात की फिक्र है? हाँ बेटा, और तू जागते में सपने देखता। बेटा खाना तैयार है। मैं तो कहती हूँ कि अगर युवराज के दिमाग की यही हालत रही तो किसी दिन हमें भूल जाएंगे। ओ यस, हो सकता है, हो सकता है। हाँ, हाँ। तो ये भी हो सकता है कि किसी दिन अचानक हमें यहाँ देखकर हैरान होकर पूछने लगे, कौन हो तुम, कहाँ से आई हो, किससे मिलना है? ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, जरूर हो सकता है। शोभा, युवराज के दिमाग की साइकिल को सीधी तरह चलाने की एक तरकीब समझ में आई है। अच्छा तो फिर बता। युवराज आए हैं शायद। जा तू, जा। रस्ते में दो अनजाने ऐसे मिले दीवाने, जैसे नहीं बेगाने, ये प्यार नहीं तो क्या है? रस्ते में दो अनजाने ऐसे मिले दीवाने, जैसे नहीं बेगाने, जैसे ये पुरानी मुलाकात हो, मिलना यू। अरे आप कब आए? आइए आइए ना। मिस सीमा, आज तो आप बड़ी खुश नजर आ रही हैं। हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ, यूं ही एक पुरानी बात याद आ गई। अच्छा आपने गाना सुना जो मैं अभी गुनगुना रही थी? जी हाँ सुना है, बहुत अच्छा गाना है। आप भी गुनगुनाइए ना। मैं तो ये गाना नहीं जानता। आपने ये गाना कभी नहीं सुना? जी नहीं। कभी नहीं? कभी नहीं मिस। आपको ये गाना बिल्कुल नहीं आता? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आता। खैर छोड़िए, मैं आपके लिए फूल लाया। मुझे फूल बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। मिस सीमा देखिए ना आपके रुखसार पर क्या लगा है। कहाँ लगा है? जी इस गाल पर। मुझे साफ कर दीजिए। आदमी भी अजीब होता है, कभी तो मिट्टी का मधु हो जाता है और कभी बहाना निकाल के चलती गाड़ी रोक लेता है, अपने रुमाल से जबरदस्ती मुंह साफ करता है, बालों को छूने का बहाना निकालता है, रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता है और गाना गाता है। किसने किया ऐसा? बड़ा बदतमीज आदमी था वो। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। तो फिर? किसी ने मेरी सहेली के साथ ऐसा किया था। क्या हुआ मिसीमा? मेरे सर में दर्द हो रहा है। कमाल है, उस बदतमीज का नाम आते ही आपके सर में दर्द होने लगा। आप ठीक फरमाते हैं। तो मैं डॉक्टर को बुलाऊं? जी कोई जरूरत नहीं, आप तशरीफ ले जाइए। मैंने वो पिछली बातें दोहराई जो मेरे और युवराज के दरमियान हुई थी, पर उन्हें कुछ याद नहीं आया शोभा, वो सब कुछ भूल गए। मुझे यहाँ सुन नहीं सुन, मैं पागल हो जाऊंगी। जल्दबाजी से काम न ले सीमा, अगर तू यूं ही चलेगी तो पिताजी को मुंह क्या दिखाएगी? दुनिया वालों को मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा,
ओहो, ये मैं किस मुसीबत में फंस गई। माँ तू ठीक कहती थी, मैं घर में बड़े बड़े तंग आ गया। तू जा बेटा कोई काम धंधा ढूंढ। इरादा तो यही है माँ, सोचता हूँ वो शामनगर रियासत है ना, वहां चला जाऊं। इतनी दूर जाएगा मुझे यहाँ अकेली छोड़कर? माँ तुम्हें छोड़कर जाने को जी तो नहीं चाहता, लेकिन शायद वहां को मेरा काम बन जाए। तेरी खुशी पर कब जा रहा है? बस आज ही चला जाऊंगा। आज ही? हाँ। अच्छा तुझे रास्ते में खाने के लिए कुछ बना तो दो। जो तेरा जी चाहे। महारानी इस तुपले के तमाशा जी पुतला भाई, इस पुतले का तमाशा देखकर प्रोफेसर साहब हम बहुत ही खुश हुए हैं, बहुत ही खुश। सेक्रेटरी थैंक यू। सुनते नहीं हम क्या कह रहे हैं, तुम खुश नहीं है? देखिए ना सरकार साथ खिली हुई है। हाँ हाँ ये पाछी खिल गई है तुम्हारी। अरे भाई ताली क्यों नहीं बजाता भाई, ताली बजाओ। ए जैक क्या है, हंसता क्या है? महाराज के सामने तमीज रखनी चाहिए। हैं बंदर है, है? क्या बकता है तुम? मैं क्यों? महाराज तो मेरा तमाशा देख के बहुत खुश है। हाँ हाँ हम इनका तमाशा देखकर बहुत खुश हैं। प्रोफेसर साहब हाँ युवराज, युवराज तुम भी तो ना? जी हाँ। आहा हम भी आज बहुत खुश हैं। हम शादी करेंगे, हम शादी करेंगे। महाराज शादी करेंगे? रानी को पूछ लिया? और नहीं, अबे घन चक्कर, महाराज युवराज की शादी करेंगे अपनी नहीं। ए प्रोफेसर साहब तुम बहुत समझदार हो। थैंक यू सर, मेंशन नॉट। देखो ना युवराज की शादी तक हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। थैंक यू वेरी मच सर, नो मेंशन इट। ओके सर, ओके ओके, हम तुम्हें यहीं रखेंगे। थैंक यू सर। ए जैक देखा देखा महाराज जी क्या कहते हैं? जैक सुना तुमने? हाँ देखो और सुन लो, हमारा जी पहला नाम जी, हमारे युवराज का जी पहला नाम जी, और हमारे युवराज की दुल्हन का भी जी बहलाना है। जी हाँ जी हाँ, जरूर बहलाएंगे जरूर। अबे चुप। जी हाँ जी हाँ, बहलाएंगे बहलाएंगे बहलाएंगे। अबे चुप चुप चुप। अरे इसे हंसने दो, अब इस तुपले अब इस पुतले से बड़े खुश है। क्या कहा? इसे खूब डांटिए और बहुत डांटिए प्रोफेसर जी। क्या कहा प्रोफेसर? ये तो अली बाबा छुपा हुआ खजाना जानता है। अरे थैंक यू जैक। खजाना? कैसे खजाना? दिल की बात, ये दिल की बात जानता है। अच्छा तो तुम दिल की बात भी जानते हो। हाँ, अच्छा बताओ हमारा दिल में क्या है? क्यों क्यों जी? नहीं ये बताओ कि अली बाबा हमारे युवराज के दिल में क्या है? कुछ नहीं महाराज, युवराज ये सोचते हैं कि अगर बंद मुट्ठी खुल गई तो क्या होगा। बंद मुट्ठी? ये बंद मुट्ठी कैसी मुट्ठी? बंद मुट्ठी है युवराज, तुम्हारी मुट्ठी बंद है जी? अब मुट्ठी बंद है जी? खुली। भाई देवी जी हमें ये तमाशा बहुत पसंद आया, देवी जी बहुत पसंद आया, खेल बहुत पसंद आया। चलिए महाराज आपकी छींकने का वक्त हो गया। चलिए आपकी महफिल बर्बाद कीजिए, हम जाते हैं, हम जाते हैं आपकी महफिल। चलिए महाराज जी। ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारुमी और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक्ट।